पहला सलातीन पांचवां बाब। और सौर के बादशाह हेराम ने अपने खादिमों को सुलेमान के पास भेजा, क्योंकि उसने सुना था कि उन्होंने उसे उसके बाप की जगह मसा करके बादशाह बनाया है, इसलिए कि हेराम हमेशा दाऊद का दोस्त रहा था। और सुलेमान ने हेराम को कहला भेजा कि तू जानता है कि मेरा बाप दाऊद खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए घर ना बना सका, क्योंकि उसके चौगिर्द हर तरफ लड़ाइयां होती रहीं, जब तक के खुदावंद ने उन सब को उसके पांव के तलवों के नीचे ना कर दिया। और अब खुदावंद मेरे खुदा ने मुझको हर तरफ अमन दिया है, ना तो कोई मुखालिफ है ना आफत की मार। सो देख, खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाने का मेरा इरादा है, जैसा खुदावंद ने मेरे बाप दाऊद से कहा था कि तेरा बेटा, जिसको मैं तेरी जगह तेरे तख्त पर बिठाऊंगा, वो ही मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। सो अब तू हुक्म कर कि वो मेरे लिए लुबनान से देवदार के दरख्तों को काटें, और मेरे मुलाजिम तेरे मुलाजिमों के साथ रहेंगे, और मैं तेरे मुलाजिमों के लिए जितनी उजरत तू कहेगा तुझे दूंगा, क्योंकि तू जानता है कि हम में ऐसा कोई नहीं जो सदियानियों की तरह लकड़ी काटना जानता हो। जब हेराम ने सुलेमान की बातें सुनी तो नहायत खुश हुआ और कहने लगा कि आज के दिन खुदावंद मुबारक हो, जिसने दाऊद को इस बड़ी कौम के लिए एक अकलमंद बेटा बख्शा। और हेराम ने सुलेमान को कहला भेजा कि जो पैगाम तूने मुझे भेजा मैंने उसको सुन लिया है, और मैं देवदार की लकड़ी और सनोबर की लकड़ी के बारा में तेरी मर्जी पूरी करूंगा। मेरे मुलाजिम उनको लुबनान से उतार कर समुन्दर तक लाएंगे, और मैं उनके बेड़े बंधवा दूंगा, ताकि समुन्दर ही समुन्दर उस जगह जाए जिसे तू ठहराए, और वहां उनको खुलवा दूंगा। फिर तू उनको ले लेना, और तू मेरे घराने के लिए रसद देकर मेरी मर्जी पूरी करना। पस हेराम ने सुलेमान को उसकी मर्जी के मुताबिक देवदार की लकड़ी और सनोबर की लकड़ी दी, और सुलेमान ने हेराम को उसके घराने के खाने के लिए 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर खालिस तेल दिया। इस तरह सुलेमान हेराम को साल बसाल देता रहा, और खुदावंद ने सुलेमान को जैसा उसने उससे वादा किया था हिकमत बख्शी, और हेराम और सुलेमान के दरमियान सुला थी, और उन दोनों ने बाहम अहद बांध लिया। और सुलेमान बादशाह ने सारे इसराइल में से बेगारी लगाए, वो बेगारी 30,000 आदमी थे, और वो हर महीना उनमें से 10,000 को बारी बारी से लबनान भेजता था। सो वो एक महीना लबनान पर और दो महीने अपने घर रहते, और अदुनाराम उन बेगारियों के ऊपर था, और सुलेमान के 70,000 बोझ उठाने वाले और 80,000 दरख्त काटने वाले पहाड़ों में थे। इनके अलावा सुलेमान के 3,300 खास मनसबदार थे जो इस काम पर मुख्तार थे, और उन लोगों पर जो काम करते थे सरदार थे, और बादशाह के हुक्म से वो बड़े बड़े बेशकीमत पत्थर निकाल कर लाए, ताकि घर की बुनियाद घड़े हुए पत्थरों की डाली जाए। और सुलेमान के मेमारों
और हेरियाम के मेमारों और जबलियों ने उनको तराशा और घर की तामीर के लिए लकड़ी और पत्थरों को तैयार किया।